मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां अब लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना की हिताग्रहियों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया गया। इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहकारिता के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें निधन होने पर 2 लाख रुपए और स्थायी दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो सड़कें अधूरी रह गई हैं, उन्हें अब राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा। इसके लिए 56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बताया कि अगला रीजनल इंडस्ट्री कंक्लेव ग्वालियर में 28 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार कार्य किया जाए। ये बात भी दोहराना चाहूंगा, रक्षाबंधन का सावन का महीना है, रक्षाबंधन भी आने वाला है। ऐसे में हमारी सभी लाडली बहना और खास करके उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बहनों का, जिनका गैस कनेक्शन है, ये इनकी संख्या लगभग 40 लाख के आसपास है। इनको हम अपने वित्तीय संसाधन से 450 रुपये में गैस कनेक्शन का जो सब्सिडी देने का हमने घोषणा पहले से की हुई है, हम उस पर कायम है। आज कैबिनेट के माध्यम से हमने और दोबारा उसको पुष्टि की है कि इनका हेड खोल करके उनको वो राशि दी जाएगी। ये वही बात है जिसके लिए हमने कहा था कि हमारे द्वारा कोई योजना बंद नहीं की जाएगी, बल्कि और योजनाओं में इजाफा करके सभी वर्गों का खास ध्यान रखा जाएगा।